अच्छा कंडेला कांड मतलब के बात बनी थी भाई? तो टहरा साहब ने कहा था पहले रोक दो, तब सिद्धा ने कहा भाई जो बल नहीं पड़ता ना तो भाई शरेआम गोली मार ना ना तो ना हो वो। तो चुटाला साहब ने कहा रोड ना खोलते तो भाई इसके ऊपर लाठी चार्ज करो और गोली चलाओ। चुटाला राज में 2002 मची, 2002 की बात, 2002 की बात है जी। पांचवें भी नहीं 31 तारीख की बात है। हाँ जी, 31 की, पांचवें भी नहीं 31 तारीख की, 31 तारीख की जी। राजबीर सिंह लोहान, राजबीर सिंह लोहान और नरेश सिंह लोहान के गोली लगी जी। राजबीर सिंह तो मर गया मौके पे और नरेश का लगी जी जांग में गोली, वो घायल हो गया, वो मरिया जी एक डेढ़ महीने के बाद रोहतक पीजीआई में जी। उसके बाद है ना, आपकी भी उसके बाद जी शाम के 5 बजे का टाइम था, 5 बजे लाइट आती थी, जैसे ही लाइट आई उसी टाइम पुलिस ने एकदम अटैक कर दिया। लोग अपने काम पर लग गए, कोई गंडासे पर लग गया, कोई पानी पर लग गया, पुलिस पूरे गाँव के अंदर घुस गई। जैसे भी कोई गाड़ आदमी मिला उसी को दे लाठियाँ डंडे खूब पीट। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। गांव का नाम देख लो भाई, गुलकनी नाम गांव का है और इस गांव में इस तरफ कैमरा कर दे भाई। भाई साहब राम राम। अच्छा क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार है जी। आपका जी? देवंदर। अच्छा आपके शहीद हो आपके? हाँ जी दोनों। किस में? कंडेला कांड में। कंडेला कांड में। अच्छा कंडेला कांड मतलब के बात बनी थी भाई? चुटाला साहब ने कहा था पहले रोक दो तामे और हमने बिल रोक दिया जी। बिल रोकने के बाद चुटाला साहब की सरकार आ गई, उन्होंने कहा भाई बिल भर दो भाई, बिल भरने से हमने कर दिया इनकार, हमने बिल नहीं भरते भाई। चुटाला साहब ने सिद्धा ने कहा भाई जो बिल नहीं भरता ना तो भाई शरेआम गोली मार ना ना, तो किसानों ने कहा भाई आंदोलन कर लो और रोड रोक दो। हमने किसानों ने रोक दिया जी। रोड रोकने के बाद चुटाला साहब ने कहा रोड खुलाओ, किसान नहीं माने, किसान रोड नहीं खोलते जब तक हमारी समाधान नहीं होती, बिजली बिल माफ़ करे या जैसे समाधान को उसके हिसाब से जी। लेकिन किसान नहीं माने भाई, हमें कंडेलम धरना देवांगे। कंडेलम धरना दिया जी, कई दिन लगे, वहाँ से समाधान नहीं हुआ। तो जो हमारे प्रधान थे किसान उनके, कोई भी हमारे कंडेला थे जो भी था, उन्होंने कहा भाई ऐसे समाधान नहीं होता, तो अपने अपने गांव में जाओ और गांव में जाके धरना जो रोड रोको जी। तो किसानों ने उठ के रोड रोक दिए, गुलकनी में बैंड में जहाँ जहाँ भी थे जी। तो उसमें चुटाला साहब ने कहा रोड खुलवाओ भाई, बोला रोड कौन खोल जब तक किसान अपनी समाधान का सिस्टम ना हो। तो चुटाला साहब ने कहा रोड ना खोलते तो भाई इसके ऊपर लाठी चार्ज करो और गोली चलाओ। चुटाला राज में 2002 मची, 2002 की बात, 2002 की बात है जी। पांचवें भी नहीं 31 तारीख की बात है। हाँ जी, 31 की, पांचवें भी नहीं 31 तारीख की, 31 तारीख की जी। तो किसानों ने मना कर दिया तो चुटाला साहब ने गोली चलवा दी जी। गोली चलाने के बाद हमारे सरों में राजबीर सिंह लोहान और नरेश सिंह लोहान के गोली लगी जी। राजबीर सिंह तो मर गया मौके पे और नरेश का लगी जी जांग में गोली, वो घायल हो गया, वो मरिया जी एक डेढ़ महीने के बाद रोहतक पीजीआई में जी। उसके बाद है ना, आपकी भी उसके बाद जी, उसके बाद 3रे दिन बाद फिर गोली चलवाई है चुटाला साहब ने, उसमें जिसमें कि हट के फिर चलवाई थी 3रे दिन जी। जो बहन के 3 शहीद हुए थे, उसमें इसका छोटा भाई भी था जो शादी शुदा 8 साल के 8 दिन हुए थे उसकी शादी ने, 8 दिन की शादी में, और बल्कि इसका भाई और मैं कट्ठे रंग रोड का काम कर रहे थे जिस दिन मार्केट में देवलाल मार्केट मंडी पेंटर का। तो बोला भाई रास्ता आने लग रही है प्लेस एरो रहा था बच कर रही हो, तो नहर पर कहते हो बहन को लिखने लग गया, वहाँ पर भी उसके सिर में गोली लगी थी। अच्छा गोली लगी, गोली लगी जी। शर्मा जी उनको टारगेट करे गया था या फिर आंदोलन कर रहे थे? ना वो तो वैसे ही थी आंदोलन वाले, तो जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से कोई नहीं एक्सपायर हुआ जी, ना कोई मरिया। अच्छा जो मरे हैं जो ना आंदोलन थे ना वो थे, वो तो नू बताओ थे उड़ा पुलिस वाली नू आली नू आली है वो मरे हैं जी। फिर उनको स्पेशल टारगेट कराया गया था? टारगेट कराया गया, टारगेट नहीं कराया गया, वो तो एक पब्लिक जैसे रोड पे थी उन्होंने तो अंधाधुंध गोली छोड़ दी, किसी को भी लगी। अच्छा अच्छा, कोई किसी का टारगेट नहीं था, पब्लिक थी रोड पर, पब्लिक थी। कह रहे कि मतलब एक थे अकेले आ रहे थे? नहीं वो नहीं, तो अकेले थे जी, वो तो अकेले थे। जैसे माले जो गोली चलाई है ना जिन्होंने, उनका जो सर पर मारी है और मारी है वो तो अकेले थे। माले गांव में बहुत सारी पंडिता के मकान थे, यहाँ से गोली चली, गांव के अंदर पुलिस घुस गई थी। अच्छा, गांव के अंदर पुलिस घुस गई थी। ये स्कूल दिख रहे हो आप, यहाँ सिर्फ इस रोड पर पुलिस से पुलिस थी। अच्छा जी, और उस टाइम सुबह शाम के 5 बजे का टाइम था, 5 बजे लाइट आती थी, जैसे ही लाइट आई उसी टाइम पुलिस ने एकदम अटैक कर दिया।
लोग अपने काम पर लग गए, कोई गंडासे पर लग गया, कोई पानी पर लग गया, पुलिस पूरे गांव के अंदर घुस गई, जैसे भी कोई गाड़म आदमी मिला उसी को दे लाठियाँ डंडे खूब पीटे। हाँ जी, फिर जैसे हमारे गुआंड है, रामरा है, बहन है, भाई पोखरी खेड़ी है, उन आदमियों फोन पर संपर्क हो गए, जैसे ही वो हमारा सहयोग करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे को हेर लिया चुगर देखो पुलिस ने, फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ हमने खुद देखा, कुछ आदमी ऐसे थे जिन्होंने जोड़ में गोली मार दिया, वाई फायर कर दिए, कुछ उन मत ऐसे थे जो कि सीधे फायर कर रहे थे, बिल्कुल सीधी गोली मारी। हाँ बिल्कुल सीधी, ये 29 तारीख की बात है जी। आज भाई मैं आऊँगा और आपके बिजली के पूरे बिल माफ करूँगा, ये स्कूल की बात, और आप बिल बंद कर दो। उसके कहने से किसानों ने वो बिल बंद कर दिया जी, बिजली के भरने बंद कर दिया जी, बिल आऊ गए बिल आए। हाँ आए भी नांदे, चलो आए ना, उसकी सरकार आई तो जो किसान थे जो वो बोले जी आपने कहा था अब भाई आप किस बिल बंद कर दो और मैं आऊँगा तो माफ़ करूँगा, वो बोले बोला भरने पड़ेंगे बिल, तो फिर तो मैं ज़्यादा हो गया फिर कुकर बरदान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे भी हो आप, जब तो एक आदमी 500 रुपये बिल भर रहा जी माले घर का और दोबारा बढ़ चढ़ के कहाँ से भरेंगे जी, वो ये तो स्थिति टोटल रात में हुई है जी और ना इंसाफी हुई टोटल रात में। इतने मारे गए हैं दिल्ली में, मारे गए उनके फोटो भी हैं दिल्ली में, जो 4-5 जो मरे हैं वो उनके भी वह भी मोटो लगाई हुई जी। हाँ जी, और हमारे प्रधान जी हैं, ये हमारे प्रधान हैं जी, कुलपनी गाँव से रामफल जी। हाँ जी, अच्छा प्रधान जी स्मारक बनवाया है गांव में। हाँ जी, ये कंटेला कांड कह रहे थे मन तो आज थोड़ा सा इसके बारे में पूरी तरह से जाना, तो बड़े ही सुन के बड़ा दुख होया कि, लेकिन किसान आंदोलन भी होया तो इस ट्रैक्टर को देख करके हम रुके यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर जो आपने एक यादगार के तौर पे बनाया। तो आप क्या कहना चाहोगे जो कंटेला कांड और ये भी कांड ही होंगे हम जो किसान आंदोलन है जिनमें से 2002 में बेला बाबत रोड़ा चल रहा था, मतलब वहाँ कंडेला पंचायत हो रही थी जी, वहाँ फैसला हो गया भाई आप अपने हेडक्वार्टर बजाय के नाके लगाओ, बीबजुगर नुगामा खाप का रामरा बोल दिया था, तो पब्लिक आंधी 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 उड़ा लगाएगी, मतलब उल्कनी लग गांव की पब्लिक आएगी, हाँ गांव की भी नुगामा खाप की आएगी, मतलब मेन गांव मतलब इस गांव में ही आई थी पुलिस वालों। हाँ इस गांव में भी आई थी, इगरा गेमाना रोड पर उस पर भी अलग अलग क्षेत्र बांट दिए थे, तो उन पर नाके लगते लगते यहाँ पब्लिक थोड़ी थी 2002 में, यहाँ मतलब थोड़ी हुई पब्लिक, 300-400 मनुष्य थे मतलब, और पुलिस थी 2-2.5 हज़ार, तो वह साथ में इस रोड पर लग ली, वहाँ बड़े गांव थे, खंडा भी बड़ा है, इगरा भी बड़ा है, मतलब गेमाना भी बड़ा है, तो वहाँ उड़े मतलब जनसंख्या हजारा की थी, यहाँ उड़े 300-400 की थी, तो इसलिए पब्लिक के साथ पुलिस CID उड़े लग रही थी गल उड़े वो कर दिया, तो 5:30 बजे यहाँ फोरस ने मार्च कर दिया, शाम के 5 बजे 5:30 बजे, तो यहाँ वहाँ से पूरी है 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से फायरिंग शुरू होगी, जो भी खेतों में भी था किसान वो भी लपेटे में ले लिया, जो स्कूल में थे वह भी लपेटे में ले लिए, तो दनखल DC वायर था उस टाइम यहाँ, उसकी प्री प्लान ये थी भाई इस गाँव को मतलब नष्ट किया जावे और इस पब्लिक को पूरा भयभीत करा जावे, तो 29 तारीख को 5:30 बजे या फायरिंग शुरू हो गई थी, 7:30-7 बजे राजवीर सनोप सोन सिंह के गोली लग गई थी, 3-4 घायल मतलब फटड़ हो गए थे, घायल हो गए थे, तो 14-15 मनसा मतलब गोली लग गई थी, एक शहीद हो गया था, तो लुगाई भी मनुष्य भी फिर तो जब नू हो गया ना भाई प्रशासन सीधी गोली मारने लग गया, तो मतलब सारा काम लिगड़ के आ गया, तो उस टाइम तो प्रशासन बिक गया, एक दिन छोड़ के मतलब 30 तारीख को छोड़ के 31 तारीख को फिर हमला कर दिया, इसे गांव पर अटैक कर दिया दोबारा SDMB DCB मतलब SPB सारे आड़ा सार सौदा आ गया, तो मतलब पूरी प्लान तय ऑर्डर कर दिया भगोड़ी, इस तालाब में तो 125 कस्तूर तो जिंदे मिले थे। अच्छा जी, हाँ मिट्टी जो उठाई नहीं जब तो गाँव में नू के नू 125 कस्तूर तो जिंदे नू के नू मिले थे, कम से कम 2.5 घंटे गोली जब चली। अच्छे जी, तो फिर ये अड़ोस पड़ोस के गांव भी आ गए, पोखरी खेड़ी रामरा ये भी, रामरा तो मतलब उस टाइम नहीं आई थी, पोखरी खेड़ी वाले आ गए थे, मतलब रास्ता हेर लिया था नदी कहानी थे भी उड़ानते भी,
तो फिर वो पब्लिक फिर पुलिस बाजी है, तो उधर छः किसान शहीद हो गए, एकदम छः किसानों की चेता यहाँ इस शमशान घाट में हमने दाह संस्कार किया था अपने हमारे गांव में। जिन पशु वीर कुत्ते भी सब रो रहे थे, एक शमशान में सात लाश फूकने को इशान नहीं है एकदम। और 2002 की बात है, उस टाइम धनखड़ डीसी था यहाँ, उसका एक कांड था, उसे की वजह से तो कुछ भी हुआ कुछ ना हुआ, मतलब मेन चीज वो थी, नहीं तो और भी रोड थे। आपके भाई भी थे। मेरा भाई था, मेरे छोटा भाई था, कुल 7 दिन हुए थे उसकी शादी को, सिर में गोली लगी थी उसके, एक खोपड़ी उड़ा दी थी बिल्कुल। तो बताओ हम कैसे सब्र कर लें। तो भाई देख सकते हैं कंडेला कांड, मतलब वो घर ही उजड़ गया। अरे बहू भी गई, वो बहू भी चली गई, भाई भी चला गया, क्या रह गया हमारे पास, सिर पे एक रोना रोना और क्या रह गया, कुछ नहीं। पूरी जिंदगी का रोना, इतना पूरी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का। चलो, लेकिन ये हमारे प्रधान जी ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया, जो कि हमने आंदे जानदे थोड़ी शांति मिला है। हाँ भाई, हमारे भाइयों की याददाश्त अभी जिंदी है, प्रतिमा बना रखी है हमने, जिंदी है, और हम इनके सहयोगी हैं, ये आगे बढ़ते चलो, हम इनके साथ हैं। हाँ जी, तो बड़ा बढ़िया काम करा भाई, एक यादगार के तौर पे बनाया है, क्योंकि इन्होंने अपने गांव के ऊपर एक अपने प्राण निछावर करे हैं, क्योंकि भाई गांव की बात थी पूरी, गुआंड की, पूरे नौगामा की थी, पूरा नौगामा की बात, पूरा नौगामा खाप का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि उन्होंने हमारे भाई चाचे ताऊओं को ऐसी जगह बैठा दिया कि जो आते जाते हमारे दर्शन होते हैं, और ये भी दुनिया याद करेगी भाई, इन्होंने ये बढ़िया काम करा नौगामा खाप ने, भाई हमारे भाइयों की मूर्ति जहाँ रखी थी इन्होंने बहुत ही अच्छी बात करी है, भाई यहाँ रख के ने आंदा जाता सारा संसार देखा, भाई ये नौगामा में ये बढ़िया काम करोगे, हम भी मंगा, चलो देखते हैं, हम भी जी आगे इसको बढ़ाते ही रहेंगे, ये हमारे दिल की तमन्ना, हम इसको आगे बढ़ाते ही रहेंगे, जहाँ भी जैसे होगी ये मांगेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं जी, छोटा बड़ा जो भी है उसके लिए। चलो जी, तो भाई कंडेला कांड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप मतलब पूरा एक बवाल छिड़ा था भाई उस टाइम पे, और एक घर उजड़े थे गणे, और गांव में मतलब एक मातम छाया था, मतलब एक गांव में तो छः लाश एक दिन में फूकना, तो मतलब देख सकते आप। तो भाई इसके बारे में थोड़ा देखा जाना, तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय दिएगा, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानते हो उस टाइम में, तो बने रहिएगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। नमस्कार।